What's up everyone? Hope you all are doing great. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे should you grow out your hair or not? हम सबके मन में डाउट आता है और हम हर बार एक कन्फ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में चले जाते हैं. क्या मेरे ऊपर बाल अच्छे लगेंगे? क्या मेरे कर्ली हेयर स्ट्रेटन हो पाएंगे? तो लगभग मुझे बाल बढ़ाते हुए 1.5 साल हो चुका है और इन 1.5 सालों में मैं उन सारे फेजेस को फेस कर चुका हूँ, उस माइंडसेट को फेस कर चुका हूँ जो एक लड़के को बाल बढ़ाते समय फेस करने पड़ते हैं. मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल. अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो आई प्रॉमिस आपके मन में जितने भी डाउट्स हैं बाल बढ़ाने को लेकर वो सारे क्लियर हो जाएंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. द फर्स्ट थिंग दैट लॉन्ग हेयर हेल्प्स यू विद इज वर्सेटैलिटी. आप लिटरली जितनी तरह की हेयर स्टाइल ट्राई करना चाहते हैं वो आप सारी बाल बढ़ाने के साथ ट्राई कर सकते हैं. अगर आपके बाल छोटे हैं तो आप उतनी हेयर स्टाइल्स को ट्राई नहीं कर सकते, बजाय इसके कि आपके बाल थोड़े से बढ़ चुके हैं अब आप लिटरली बहुत सारी हेयर स्टाइल्स ट्राई कर सकते हैं. अगर आपका मन मैन बन बांधने का नहीं है तो आप हाफ मैन बन बांध सकते हैं, और अगर आपका मन हाफ मन बांधने का भी नहीं है तो आप लिटरली अपने बालों को सिर्फ पीछे की तरफ करके छोड़ सकते हैं एंड दैट विल लुक अमेजिंग ऑन यू. आप शॉर्ट हेयर में भी डिफरेंट हेयर स्टाइल्स ट्राई कर सकते हो, बट लिटरली देयर इज नो मैच टू लॉन्ग हेयर वर्सेटैलिटी. जो हमारा अगला पॉइंट है वो मेंटालिटी के ऊपर है, वो है इट हेल्प्स यू टू डेवलप विल पावर. अब जब आप बाल बढ़ाना शुरू करते हो या बाल बढ़ा रहे होते हो तब आप बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, आपके साइड के हेयर बाहर निकल रहे होते हैं, आपको गर्मी लगना शुरू हो जाती है, आपको अपना सर भारी लगता है. पर इन सब के बावजूद अगर आप अपने बाल कंटिन्यू करते हो बढ़ाना तो आप लिटरली अपने आप को एक मेंटल लेवल पर ट्रेन कर रहे हो. अब आपको पता है कि आप अभी अच्छे नहीं लग रहे हो, उसके बावजूद भी आप अपने बाल बढ़ाने कंटिन्यू करते हो तो आप खुद को एक मेंटल लेवल पर ट्रेन कर रहे हो, और जिससे आप डिलेड ग्रेटिफिकेशन की क्वालिटी को इनकलगेट कर रहे हो. और जब आप इस क्वालिटी को धीरे 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 करके ग्रो करते हो तो ये श्योरली आपकी लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट्स में भी आपको हेल्प करती है. अब जो हमारा अगला पॉइंट है वो है नॉट केयरिंग व्हाट अदर्स थिंक ऑफ यू. अब जब आप बाल बढ़ाना शुरू करते हो तब कई लोग आपको बोलेंगे ए लड़की लग रहा है, ए पैसे बाल कटाने के पैसे नहीं है, तू ऐसा, तो आप उनकी बातों के ऊपर ध्यान मत दो. यही चीज़ आपको अपनी लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट्स में भी हेल्प करेगी कि लोग क्या सोच रहे हैं, उसकी वजह से आप वो करना नहीं छोड़ सकते जो आप लिटरली खुद करना चाहते हो. वो लिटरली आपके बारे में सिर्फ 2 मिनट सोचेंगे, आपको कमेंट पास करेंगे और वो खुद की लाइफ में कंटिन्यू हो जाएंगे. तो आप उनकी बातों को इतना सीरियसली नहीं ले सकते अपनी हेयर ग्रोथ जर्नी पे. पर हाँ, अगर आपको दूसरों के ओपिनियंस मैटर करते हैं तो आपको बाल बढ़ाने से पहले 2 बार सोच लेना चाहिए. तुमसे ना हो पाएगा. अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इज द मोस्ट ऑब्वियस रीजन व्हाई यू शुड ग्रो आउट योर हेयर, इट मेक्स यू स्टैंड आउट. हाँ, अब आपने और मैंने ये चीज़ बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करी है कि इंडियन मैन डोंट हैव द टाइम टू ग्रो आउट देयर हेयर. वो लिटरली अपनी हेयर ग्रोथ जर्नी को शुरू ही नहीं करना चाहते जस्ट बिकॉज उनके पास वो पेशेंस नहीं है जो बाल बढ़ाने के लिए चाहिए होता है. उन्हें बस अपना वही साइड से फेड बीच से स्पाइक्स वाला हेयर कट चाहिए होता है. मैं भी पहले वही हेयर कट रखता था एंड नथिंग अगेंस्ट शॉर्ट हेयर, बट जस्ट दैट वो सारे लड़के एक जैसे लगते हैं बजाय उसके इफ यू कीप अ प्रॉपर मैन. अगर आप लिटरली चाहते हो कि आप दूसरे लड़कों से स्टैंड आउट करो बेस्ड ऑन योर फिजिकल अपीयरेंस, then literally growing out your hair is meant for you. अब जो हमारा next point है वो है hair care becomes a habit. अब आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि अगर आप hair growth कर रहे हो तो जो बाल आज आपके सर पर है वही बाल आपके सर पे 2 साल बाद भी होने वाला है, और अगर आपने उसका ढंग से ध्यान नहीं रखा तो वो literally अपनी quality से speak करेगा. अगर आप अपना proper hair care routine को follow नहीं करोगे तो आप के बाल लिटरली ड्राई अप हो जाएंगे और आप अपनी हेयर ग्रोथ जर्नी को एंजॉय नहीं कर पाओगे, और इनफैक्ट आप शायद अपने बालों को कटवा लो जस्ट बिकॉज आपकी हेयर की क्वालिटी अच्छी नहीं है, जिसके रिस्पॉन्सिबल आप खुद हो पर शायद आप उस बात को मानोगे नहीं. अगर आपने अपना हेयर केयर अच्छे से फॉलो किया तो आप ऑब्जर्व करोगे दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी हेयर की क्वालिटी अच्छी से बहुत अच्छी होते हुए चली जाएगी. अगर आप अपनी हेयर ग्रोथ जर्नी को शुरू करते हो और अपने हेयर केयर रूटीन को प्रॉपरली फॉलो करते हो देन आई प्रोमिस दिस हैबिट विल स्टे विद यू फॉर लाइफ. जब आप बाल बढ़ाते समय अपने बालों को ऑयलिंग करना, प्रॉपर टाइम पे शैम्पू करना, इन चीज़ों को इनकलकेट कर लेते हो तो यही चीज़ आपकी लाइफ के साथ हमेशा कैरी ऑन होती है. मैं पर्सनली जब छोटे बाल रखता था वो अपने बालों का उतना ध्यान नहीं रखता था, बट इवेंचुअली जब मैं बाल बढ़ाना शुरू कर दिया तब मुझे पता होता था कि मेरे बाल की क्वालिटी कब खराब हो रही है एंड व्हेन आई नीड टू ऑयल एंड शैम्पू देम. और हेयर के रूटीन भी इतनी बड़ी बात नहीं होती है, आपको सिर्फ तेल लगाना होता है, एक हेयर मास्क लगाना होता है और प्रॉपर टाइम पे शैम्पू कर लेना होता है. फ्यूचर में अगर आप वापस से बाल छोटे कराने की तरफ जाते हो शॉर्ट या मीडियम लेंथ पे
तो जो आपके बालों की क्वालिटी होगी वो आपने आज से पहले कभी महसूस ही नहीं करी होगी, जस्ट बिकॉज आपने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपने बालों का इतना अच्छे से ध्यान रखा है। ओके, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। अब ये बात हमको एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए कि इंडियन मैन आफ्टर अ सर्टेन एज गंजे हो जाते हैं। इसका मतलब जो बाल हमारे सर पर हैं वो लिटरली आने वाले 5-10 सालों में नहीं रहने वाले। आप अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस में ये एक्सपीरियंस को भी ज़रूर ऐड करना चाहोगे कि आए एक वक्त पे आपके भी पूरे भरे हुए बाल थे जिनको आप प्रॉपरली पकड़ के एक अच्छा सा मैन बन बना सकते थे। मैं लिटरली उस फीलिंग को एक्सप्लेन नहीं कर सकता जब आप अपने बालों में हाथ डाल के एक प्रॉपर लूज मैन बन बनाते हो। इट इज़ लिटरली द बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ दी अपकमिंग ट्रेंड। अब लॉकडाउन में हमारे जैसे ज़्यादातर लड़कों ने बाल नहीं कटवाए थे जिससे वो अननोइंगली ऑकवर्ड फेज में ऑलरेडी आ गए थे, और जैसे पुराने सारे फैशंस रिपीट होते हैं वैसे ही लड़कों में लंबे बालों का ट्रेंड वापस आ रहा है। बीच में जब MS धोनी ने 2007 वर्ल्ड कप के दौरान लंबे बाल रखे थे, या जॉन अब्राहम में धूम मूवी में लंबे बाल रखे थे, तब लिटरली हर लड़का लॉन्ग हेयर स्टाइल को फॉलो करने लग गया था। And it is actually coming back now. उस चीज़ को दिमाग में रखते हुए आपको अभी से अपनी हेयर ग्रोथ जर्नी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि आप लिटरली इस ट्रेंड को मिस नहीं करना चाहोगे। उसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आपको पता ही आपको क्या करना है, और इस वीडियो को अपने ब्रोज बिफोर होस्ट के साथ जरूर शेयर करना है, जिससे आप और आपके बॉडीज़ हेयर ग्रोथ जर्नी को एक साथ शुरू करें।